नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी में। पियानो लेसन नंबर वन को बहुत प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं जो कीबोर्ड है जो हम दोनों हाथों से प्ले करते हैं, तो अगर आप वो लेसन फॉलो कर रहे हैं तो उस सीरीज में ये सेकेंड लेसन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो इससे पहले आपने पहला वाला लेसन जरूर देखा होगा। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद लेसन टू पर आइए, क्योंकि उसमें सबसे मैंने बेसिक बताया था। अब उसी के आगे का पार्ट हम लेसन टू में सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप इस लेसन को अगर पूरा देखते हैं तो आप क्या बजा पाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो देखिए। लेसन वन में हमने क्या किया था, क्या सीखा था। लेसन वन में हमने किया था कि जो लेफ्ट हैंड है उससे हमने सिर्फ एक पैटर्न बजाया था। ठीक है, वो क्या था, जो हम जिस ऑक्टेव में सरगम बजा रहे हैं उस ऑक्टेव का सा और उस हाई ऑक्टेव का सा। ठीक है, हमने लोअर ऑक्टेव्स में किया था, जैसे कि लेफ्ट हैंड से हमने ये पैटर्न बजाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्लियर हुआ होगा और हर स्केल से हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सी शार्प को ही मानकर, आपका सी पर भी क्लियर होना चाहिए, बी पर भी, ए शार्प पर भी, ए पर भी, जी शार्प, एफ शार्प, ठीक है, जी शार्प, जी, एफ शार्प, एफ, ऐसे लेकर सभी 12 स्केल में आपका कंफर्टेबल होना चाहिए हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड है। और राइट हैंड से आपको सरगम प्ले करनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, हर स्केल में आपको सरगम प्ले करते जाना है। तो अब इस लेसन में हम क्या देखेंगे, देखिए कि आपको अपने लेफ्ट हैंड से सबसे पहले सा और सा ही प्ले करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सिर्फ एक स्केल पर आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उसको आपको सभी स्केल पर फॉलो करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सभी स्केल पर करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे और आपका जो हाथ है वो भी आसानी से चलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, जैसे जो सरगम है सा रे ग म प ध नी सा, इसमें कितने स्वर हुए, 8। ठीक है, जब हम लौट के आएंगे तब भी इसमें कितने हुए, 8। तो अब आप क्या कीजिए कि जब हम आरोह में गए सा रे ग म प ध नी सा, तो इसमें 8 स्वर हमने लगाए, इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, 4 और 4। ठीक है, चार, पहले चार में क्या आएगा, सा रे ग म, दूसरे चार में क्या आएगा, प ध नी सा। ठीक है, समझे बात को, जब हम वापस आएंगे तो पहले चार में क्या आएगा, सा नी ध प, और जब वापसी में दूसरे हाफ में क्या आएगा, म ग रे सा। समझे बात को, तो हमने सरगम को ये डिवाइड किया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हमने चार पार्ट में डिवाइड किया आरोह प्लस अवरोह, समझे बात को, और दो पार्ट में डिवाइड किया हमने सिंगल साइड, या तो आरोह या अवरोह, दोनों को दो दो साइड में डिवाइड किया, तो हमारे पास टोटल कितने हुए, 4 पार्ट। तो अब आपको क्या करना है कि पहले पार्ट में सिर्फ सा और सा दबाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक ऑक्टेव का गैप आप लेके चलिए। ठीक है, मतलब कि जहां पर लेफ्ट हैंड खत्म हो रहा है उसकी प्लेइंग और जहां से राइट हैंड की प्लेइंग शुरू हो रही है, तो उसमें एक ऑक्टेव का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बजाने में आसानी हो। ठीक है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ सा दबाना है, इसका मतलब सा रे ग म। ठीक है, सारे ग म पर आपको सा करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर सेकेंड हाफ में आपको प पर जंप करना है। देखिए फर्स्ट हाफ में मैंने किया ये हुआ पहला हाफ। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड किए थे मैंने, तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड में आपको क्या करना है कि प पर जंप करना है। ठीक है, उस ऑक्टेव का प क्या हुआ, ये वाला प हुआ ना, आप ध्यान से देखिए, और जब लो ऑक्टेव की बात करूंगा तो उसमें ये प, तो जो हम सा सा पर कर रहे थे वही पैटर्न आपको इसे देना है प पर। कवर किए आरोह के, जब हम आरोह में जा रहे थे सारे गम प ध नि सा, तो सारे गम तक आपको सा सा लेना है, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे ही म पर उंगली आई मेरी, उसके बाद क्या आएगा प, मतलब कि सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा प ध नि सा,
ये सेकंड ऑप्शन हुआ। वैसे ही आपको जंप करना है सा से प पर, अगर सी शार्प मेरा सा है तो प क्या होगा, जी शार्प, तो आपको जी शार्प पर आना है। ठीक है, अब इनको दोनों को मिला के सुनते हैं। क्या किया, फर्स्ट हाफ में सिर्फ सी शार्प को हमने माना बेस, लेफ्ट हैंड से किया हमने। ठीक है, आपको ये ऐसे करना है जैसे आप सिलाई कर रहे हैं, मतलब कि जो पतंग की वो होती है ना, जब आप धागा बांधते हैं तो ऐसे आप करते हैं, जब हम सिलाई के समय भी धागा बांधते हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको करना है, ऐसे आपको बेस बीट देनी है, टेम्पो देना है, वो आपको लेफ्ट हैंड से देना है, और राइट हैंड से आप जो ट्यूनिंग है वो आप बजा सकते हैं। जो आगे के अलंकार हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सरगम पर फोकस कीजिए, सरगम को अपने माइंड में बिठाइए, अपने माइंड को समझाइए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन कैसे बजता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक फाउंडेशन आपका अच्छा है तो आगे जितने भी एरपेजियोज हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमने कवर किए आरोह के दोनों पार्ट, अब आती है अवरोह की बारी। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ वही करनी है, आप अपने मन से प्रैक्टिस बनाइए, आपको जहां से भी दुनिया के किसी भी कोने से आपको प्रैक्टिस सीखने को मिलती है तो वो कीजिए, मेन मुद्दा है आपका सीखने का। ठीक है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं तो आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो फायदा जरूर होगा। देखिए, अब हम आते हैं अवरोह के तीसरे भाग में। ठीक है, सा रे गम प ध नि सा हुआ, अब हम आएंगे सा नि ध प, ये तीसरा पार्ट, म ग रे सा ये चौथा पार्ट। तो सा नि ध प में आपको क्या करना है, एफ शार्प पर चले जाना है। ठीक है, अभी हम थे जी शार्प पर, फिर एफ शार्प क्या हुआ, एक डाउन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नोटेशंस पता होगा, जी शार्प किसे कहते हैं, एफ शार्प किसे कहते हैं, सी शार्प किसे कहते हैं। ये नहीं पता तो मेरे सारे लेसन में बना चुका हूं पहले, जो भी बेसिक्स हैं तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी ट्यूटोरियल्स की। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखिए, मैंने क्या किया था, वापसी आ रही है, वापसी मैंने क्या कहा था, तीसरे हाफ में आप क्या कीजिए, एफ शार्प पर उसको बेस मारिए, आपको जिस हाफ में दिक्कत आ रही है उस हाफ को पकड़िए और उसी में प्रैक्टिस करते जाइए जब तक आपका वो सही ना हो। जब तक आप पहला हाफ और दूसरा हाफ सही नहीं है तब तक आप तीसरे पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप उनको पक्का कीजिए, जैसे कि ये मैंने कवर कर लिया तीसरा हाफ। अब चौथे हाफ में आपको वापस जी शार्प पर लौट के आना है। ठीक है, यानी कि जिस स्केल में हम सरगम की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी स्केल के प पर आपको लौट कर आना है। ठीक है, फिर से देखते हैं, अवरोह की बात करता हूं मैं, फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर से आपको सी शार्प पर जंप करना है। एक माइंड है, ऐसा तो नहीं कि दो दो माइंड है, तो आप इस हाथ से अलग काम कर रहे हैं, इस हाथ से अलग काम कर रहे हैं, तो उन दोनों का कंट्रोल आपको माइंड से करना है। ठीक है, वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, जो आपको बताया है आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले कर रहे थे, मतलब कि जिस स्किल पे आप बजा रहे थे उसके साथ को आपने बेस मारा था, फिर आप नी को बेस मानिए, एक नीचे जाइए, फिर ध को बेस मानिए, फिर प को बेस मानिए, म ग रे सा, इनको बेस मानते हुए पूरी सरगम कवर कीजिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, सिर्फ एक नोट को आप रेफरेंस मानिए लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से आप सरगम प्ले कीजिए, जैसे जो आपको लेसन 1 में सा पर बताया था, अब मैं नी पर बता रहा हूँ। ठीक है,
सा ये था, तो एक नीचे नी हो जाएगा सी शार्प स्केल पर। आपको ये सभी स्केल पर करना है, ध्यान रखिए बात, ठीक है। आपका टाइमिंग जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वो मैच करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बेल आइकन है वो अगर नहीं दबाया है तो प्लीज ये सब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेसन 3 अगले वीक में आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी आपको डाउट्स होती हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब भी मैं देखूंगा उस मैसेज को या फिर मुझे लगेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा जो भी हेल्प होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।